वेलकम वेलकम बैक टू प्रिपरेशन आई बिलीव आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही है वी हैव अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी टू फोर्टी फाइव डेज एंड दिस इज वेरी क्रूशल डेज फॉर योर प्रिपरेशन फॉर बोथ ऑफ टू सॉर्ट ऑफ पीपल फॉर वन हु हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड उनके लिए सारी चीजों को कंसॉलिडेट करना है अपने प्रिपरेशन का अपने एफर्ट का बेस्ट दिखाना है सो फॉर देम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो फॉर देम

Big time. So make sure कि आप इस ट्रैप में ना फंस रहे हो आप अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ कर रहे हो रहे आप बहुत सारे सोर्सेस को पढ़ रहे होते हो यू गेट पीडीएफ शेयर ऑन दर ऑन द्ट्स ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप आप भी अपना कुछ एक रिसोर्स बनाते हो आप दो चार जगह कोरा से पढ़कर दूसरों के एक्सपीरियंस से अपने रिसोर्स बनाते हो एंड सो रिसोर्स कि आपको पता ही नहीं कि कैसे किस को करें। very, है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सोर्स में हो सो वी एस कोचिंग इंस्टीट्यूट डू दैट वी कोर्स फॉर द सेम इफ आर लेट से डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन तो पहले से ही पता हो आपके बीच में प्रिपरेशन के बीच में कोई कंटेंट बार बार नहीं आ रहा बिकॉज अब उतना टाइम नहीं है कि आपके पास नया कंटेंट आ जाएगा सो मेक योर कोर्स मेक योर कंटेंट वेरी ऑर्गेनाइज एंड लेट नॉट की एनी पीडीएफ एंड वीडियो डिस्ट्रैक्ट योर प्रिपरेशन एंड यू गेट इन टू फॉर्मो कि यार कुछ मिस तो नहीं कर रहा दैट शुड नेवर हैपन आप आराम से अपना टाइम लेकर या तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का टू एन एक्सटेंट वी डू दैट थिंग आपको बहुत अच्छे से कोर्स कंटेंट मिल जाएगा टेस्ट स्पेसिफिक कोर्स कंटेंट मिल जाएगा हर एक टॉपिक पे पी मिल जाएंगे एमसीक्यूज मिल जाएंगे वीडियो मिल जाएंगे सो दैट यू आर एबल टू प्रिपेयर इन अ स्मूथ एंड इफेक्टिव मैनर दैट इज द होल यू कैन चेक आर कोर्सेज द कोर्सेज वेरी नॉमिनल प्राइस राइट नाउ नाउ इवन इफ यू आर मेकिंग योर ओन कंटेंट मेक इट वेरी ऑर्गेनाइज एंड एक बार बनाकर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू नाउ

कॉमन बुक है है बहुत अपडेट्स नहीं आते हैं मनोरमा यू दीज आर वेरी टोम्स एंड उससे क्वेश्चंस कितने आए अगर कि मैं बात कर लू तो पांच छह क्वेश्चन ही बहुत मिलेंगे तो मिलेंगे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो तीन चार ही क्वेश्चन मिलना है सो स्पेंडिंग दो सो मच टाइम ऑन अ बुक

ये शॉर्ट में मैंने लिखा है मैं बहुत जगह देखता हूँ you know, कोई भी ऐसा शेयर कर देता है क्वेश्चन एमसीक्यू आठ सौ क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाएंगे यू आर टेकिंग बिग टाइम रिस्क एंड दैट हैपन कोई अच्छी प्रिपरेशन कोई अच्छे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन के पीडीएफ पढ़कर ओनली दैट ओके दैट रियलीडी स्टडी बट लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन में से कुछ मैच कर जाएगा इट इज नॉट योर कॉलेज और सिलेबस एग्जाम्स अब टेस्ट के क्वेश्चन देखो इट्स नॉट अ वेरी स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट एक्चुअली कम्स कि आपको इन सारे स्टैंडर्ड पीडीएफ वगैरह से मिल जाएगा आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा रिसोर्स है बट इज दैट इफेक्टिव एंड वेट यू गेट टू नो दैट इट्स टू लेट सो प्लीज डू आप अपने सोर्स को अच्छे रखो और कोई शॉर्टकट मेथड के लिए ना निकलो द मेथड शुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड मेथड शुड बी वेरी स्मूथ बट ऐसा कोई एक पी डी एफ मिल जाए कि आपकी प्रिपरेशन हो जाए आप अपने दिल को अपने प्रिपरेशन को ही शांतवना तो दोगे वर्ण आपको एग्जाम में कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है कीप दैट इन माइंड लेट्स बी वेरी ब्लड विद वट वी है लॉन्ग आवर्स अब खास करके एम बी एसेंट्स को मैं देखता हूँ बिकॉज दे आर डन विद ऑल देर एग्जाम कैट जैड भी हो चुका है when I'm recording this video. So, उनको लगता है कि उन्हें सिर्फ

ब्रेन है वेरियस टेक्निक्स एंड इट ऑल्सो नीड्स टाइम टूट न्यू इन्फॉर्मेशन सो की आप सब कुछ अपने ब्रेन पर डाल दो आप हेंग कर जाओगे so जीके पढ़ रहे हो दो घंटे पढ़ो और जो भी आपने पढ़ा है एक घंटा आप रिविजन के लगे है. आप इससे ज्यादा चीजें ना करो रिविजन का जो टाइम है ये भले बढ़ जाए फर्दर ओवर पीरियड ऑफ टाइम बट दो घंटे से ज्यादा नया इन्फॉर्मेशन आप जो माइंड टू टेक नहीं कीजिए जो स्पेसिफिकली टीसनेट के लिए डिजाइन है या उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए बना हुआ रहता है उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो जाएगी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आपको दिखेंगे नाउ ये रिविजन के आर्स है ये बड़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दैट विल नॉट स्ट्रेस योर ब्रेन बट ये न्यू इंफॉर्मेशन के लिए दो घंटे से ज्यादा आप प्लीज ना पढ़ें प्लीज नोट दैट मैं देख रहा हूं कि लोग चार चार घंटे पांच पांच घंटे सोच रहे कि अब कुछ नहीं मेरे को सिर्फ जीके पढ़ना है तो जस्ट दे आर रीडिंग इट आउट दे दे डोंट नो व्हाट हैव रेड दे डोंट नो दे आर नॉट एबल टू रिकॉल इट इवन जब दूसरी रीडिंग भी देते हैं तो एवरीथिंग लुक्स न्यू दैट इज अ बैड थिंग दैट यू वुड डू कीप इट इजी बी रिलैक्सड मेक यू प्रिपरेशन वेरी इंजॉयंग प्रिशन इंजॉयबल भी होना चाहिए राइट right? इतने स्ट्रेस में प्रिपरेशन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है सबसे बड़ा मिस्टेक तो नॉट रिवाइजिंग एंड मेनी ऑफ यूनिक रिलेट टू दिस कि आप रिवाइज नहीं करते हो और थोड़े ही टाइम में वेन यू रीड इड इट आपको लगता है याद ही नहीं है द ओनली रीजन इज की नॉट रिवाइजिंग द बेस्ट रिवाइजिंग टेक्निक इज टू रिवाइज इन फेबनोकी सीरीज राइट आप भले ही कम कंटेंट पढ़े हो मगर वो वेल well रिवाइज हो यू आर वेल वर्सड विद इट इट्स इजिली रिटेनेबल डू दैट आप ज्यादा से कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा कुछ ही स्पेसिफिक कंटेंट पढ़े है. मगर वो आपके रिविजन में है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट रिवाइजिंग आपको लग रहा है आप पढ़ते चले जाओगे पढ़ते चले जाओगे एन वंस इट इज कंप्लीट यू स्टार्ट रिवाइजिंग दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है फिबनौकी सीरीज में और नई चीज भी पढ़नी है इफ़ यू आर नॉट स्टिल कंप्लीटिंग दिस सिलेबस बट डू नॉट लीव एनीथिंग दैट यू लर्ट सोच सोचो कितना एफर्ट वेस्ट हो जाता है कितना टाइम जो आपने पहली बार पढ़ा होगा उसको छोड़ दिया और

फ्रेम the in हाँ, हो सकते थे तो इन वॉट वेड बी फ्रेमड उसके लिए एमसीक्यू जरूरी है सिर्फ एमसीक्यू पढ़ोगे बिल्कुल ही अधूरा है कोई मतलब नहीं मत ही पढ़ो कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ लो और उसके हम सिक्यूज करने हैं उसके मॉक्स करने हैं वी हैव अ वेरी गुड मॉक कोर्स इवन यू कैन लुक एंड टू इट ऑल द प्राइस वेरी वेरी नॉमिनल ऑल्सो सम गुड डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन मेक श्योर दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली मेड मिस्टेक्स आपको पता होगा आप शायद इसमें से कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हो गए स्टॉप डूइंग इट चालीस पैंतालीस दिन बहुत आराम से कीप इट रिलैक्स आप अपने माइंड को रिलैक्स करें अपने आप को रिलैक्स करें टेक इट इजी अब धीरे धीरे अपने प्रिपरेशन को करते जाए एक दिन में कोई प्रिपरेशन नहीं होती है एक हफ्ते में भी ये प्रिपरेशन नहीं होगी बट बिलीव मी कुछ आराम से आप पढ़ोगे ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज में ही आप रिलैक्स फील कर जाओगे कि हाँ अब मेरा अगर अच्छा कंटेंट आपने फॉलो किया है अगर अच्छा कंटेंट आपने फॉलो किया आपकी प्रिपरेशन टेक्निक्स अच्छी हैं बीस पच्चीस दिन में यू विल फील कि हाँ अब मेरा प्रिपरेशन ठीक है

सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट वेरी वेल कोई प्रिपरेशन में कोई इशू है कोर्स सेलेक्शन में भी अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं प्रिपरेशन टेक्निक्स में आपकी कोई दिक्कतें आ रही हैं कोर्स कंटेंट से कुछ आपको रिलेटेड है फील फ्री टू रीचर्स और कॉन्टैक्ट नंबर इज देयर यू नो व्हाट्सएप नंबर इज देयर फील फ्री टू रीचर्स ऑल्सो आई सी दैट गुड नंबर ऑफ यू आर लाइकिंग द चैनल वॉचिंग द वीडियो बट नॉट सब्सक्राइबिंग इट थोड़ा सब्सक्राइब कर लो हम लोगों को भी एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट आता है कि यस पीपल आर लाइकिंग इट टू दैट एक्सटेंड Do that, we'll be coming with more videos on it.